स्वागत है आपका दिवाली की इस खास पेशकश में। और हमने सोचा कि दिवाली के मौके पर आपको समृद्धि के मंत्र या सूत्र जो दिए जाएं वो सीधे गुरुओं से लिए जाएं। और अपने स्टूडियो बुलाने के बजाय मैं सीधे गुरु जी के घर पे आ गया ये सीखने के लिए कि आप दिवाली के मौके पर कैसे अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं, अपने आप की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे उसको सीखा जाए। तो इसलिए आज हम बातचीत करेंगे रामदेव अग्रवाल सर से और सुनील सर से। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मार्केट के बड़े दिग्गज हैं, दर्शकों का अनुभव है, तो दिवाली में गिफ्ट ले लेना चाहिए। रामदेव सर बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, सुनील सर बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की, सभी व्यूअर को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपने आज तो यहाँ पर एक्चुअल दिवाली खड़ा कर दिया, जो आपने लाइट और ये सब जितना माहौल बनाया है, आई थिंक एकदम दिल ऐसा लग रहा है कि दिवाली आज ही है, अभी है, आज ही दिवाली हो गई है। अच्छा, मेरा एक नारा लगाने का मन कर रहा था, मार्केट में चूंकि जो माहौल बना हुआ है तो मुझे ऐसा लगा कि आपने सुना भी होगा कि FII का घमंड टूटेगा, रिटेल निवेशक जीतेगा। FII का घमंड टूटेगा, रिटेल निवेशक जीतेगा, सही है? अभी आप जो बोले तो सब सही होगा, लेकिन भी आप देखिए ना, हमारे रिटेल निवेशक कितना खरीदारी कर रहे हैं। घोड़ों के पास बहुत माल पानी है और जो आपका बाजार बढ़िया चला है तो जितना बजट है उससे ज्यादा कमा लिए हो, तो उनको जैसे 700 बिलियन डॉलर का था तो वो गिर के 600 बिलियन हुआ और अब महीना भर में उन्होंने बेचना बंद किया तो वापस 700-750 हो गए। तो बाजार का रिकवरी इतना बढ़िया 14,000 से 17,000 का, उसमें वापस 750 बिलियन के पास हो गए। तो अगेन उनका पास काफ़ी फायर पावर है, बेचेंगे नहीं बेचेंगे उनकी मर्जी है, लेकिन वो भी डर रहे हैं कि अब कितना बेचें यहाँ से करके। तो सुनिए सर, वापस तो आएंगे ना वो, हम लोगों ने इतना देख लिया उनको। मैं जब कह रहा हूँ ये नारा, तो ये नारा ये बात बताता है कि वापस तो आना पड़ेगा आपको, इतना अच्छा मार्केट छोड़ के आप कहाँ जाएंगे? देखिए, हम ऑब्वियसली भारत में रहते हैं तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है और रहना भी चाहिए। जहाँ यहाँ पे जो भी पॉजिटिव हैं उनका वेल्थ भी बना है और उनको मन की शांति भी मिली है। लेकिन आप है ना, थोड़ा दुनिया की नज़र से भी देखिए, आई थिंक लास्ट एक साल में जो हुआ है दुनिया में बहुत ही आई वुड से थोड़ा कंसर्निंग तो रहा है। चाइना का इशू, रशिया का इशू, और इट इज़ द बिगेस्ट वॉर आफ्टर World War II इन अ सेंस कि इतनी सारी कंट्रियाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इन्फ्लेशन आज तक कभी 30-40 साल में यूरोप और US में इतना नहीं हुआ जितना आपकी बार देखने मिला है। और पहले है ना, 2-2.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए US को 2 साल लगते थे, अभी 4 महीने में उन्होंने 2.5-2.5% बढ़ा दिए। तो थोड़ा सा एक तकलीफ वाला माहौल रहा है और उसको देखते हुए आई थिंक उन्होंने जो किया है ऑब्वियसली एक रिस्क ऑफ ट्रेड था। तो ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने इंडिया में ही थोड़ा अपना एक्सपोजर कम किया, आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड रिस्क एसेट कम किए हैं। दूसरी ये भी आपको देखना चाहिए कि आप जब भी पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, अगर एक चीज़ आपकी थोड़ी सी ज़्यादा ओवरवेट हो जाती है क्योंकि उसने आउट परफॉर्म किया है, तो थोड़ा स्वाभाविक होता है कि आप रीबैलेंस करो उसको। तो ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने ना इंडिया छोड़ ही दिया है, काफ़ी लोगों ने उसको रीबैलेंस किया है। और जैसे जैसे वर्ल्ड स्टेबल होगा, आई थिंक इंडिया की ग्रोथ रेट, इवन IMF का अभी जो भी रिसेंट है उसमें इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज गोइंग टू गो एट मोर देन 6%। तो इट विल टेक टाइम बट दे विल डेफिनेटली कम बैक, वापस आएंगे। अच्छा सर, ये बताइए अगली दिवाली तक के लिए हम लोग कम से कम उस फ्रेमवर्क में बात करें तो दिवाली की लैंग्वेज मार्केट क्या, रॉकेट रहेगा, अनार रहेगा, फुलझड़ी रहेगा, क्या रहेगा? जो भी हम बोलेंगे सब गलत होगा, लेकिन फिर हम बोलेंगे जरूर, बोलेंगे जरूर। देखिए क्या है, मेरे को लगता है कि मल्टीपल बहुत बढ़िया है, जो पी मल्टीपल है अभी जो है 21-22 का जो भी मल्टीपल है निफ्टी का वो ठीक है, मतलब अच्छा रिच मल्टीपल है। अब सवाल क्या है कि अर्निंग्स ग्रोथ कितना होगा। तो यदि अर्निंग्स ग्रोथ यदि 12-15% हुआ, थोड़ा कम होते जा रहा है, इस क्वार्टर में 3% से काट दिया रिसर्चर्स, हेड ऑफ रिसर्च ने, तो यदि ये अर्निंग्स ग्रोथ जैसे अभी 7.5% है, वो 850 की बात थी, अब 850 की बात कर रहे हैं, उसके अगले साल मतलब 24 की जो अर्निंग जो है वो पहले 1000 के आसपास की बात चल रही, 950 के, अब ओके 900 की बात चल रही, यदि 900-950 आ गया मतलब 24 में भी 2-4 चीज़ें सेटल हो गई तो फिर देन मतलब हो सकता है 15-20% बाजार में मिल जाए। बट रॉकेट वाली बात नहीं है, अभी का माहौल देखते हुए एक्सपेक्टेशन हैज़ टू बी थोड़ा कंटेंट रहना चाहिए और अर्निंग्स को जितना हो उतना ही मिल जाए बहुत बढ़िया है। सुनिए सर, मार्केट में लोग कहते हैं कि अच्छा समय होता है हमेशा शेयर खरीदने के लिए, उसमें कोई बुरा समय नहीं होता, सही है ये? वेल्थ क्रिएट करना है तो आपके इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से वो उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका
इन्वेस्टमेंट का पीरियड एक हफ्ता है तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 5-10 साल है तो आप कभी भी खरीदिए, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप देखिए ना, सपोज आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया और आपने 5-7% ऊपर भी ले लिया तो आपको साल में आधा 1% की रिटर्न में इम्पैक्ट आएगा, लेकिन नहीं किया तो ये हो सकता है कि आपका बेस्ट पीरियड आप मिस कर जाओ। जैसे अभी मई के टाइम पे बहुत मंदी का माहौल हो गया था मई जून में, आपने अगर वो मिस कर दिया तो आपको फिर 15% ऊपर ही लेना पड़ेगा। बैंक देखिए, बैंक सब 25-25, 30-30, 40-40% ऊपर हो गए, तभी इट वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, किसको बैंक लेना नहीं था। तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट एक है ना, लेकिन अगर आपको ये आपको लगता है, जो हमें तो लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन की 6 ट्रिलियन हो जाएगी, अगर आप तेजी में हो तो आप बोलोगे कि 6 साल में हो जाएगी, अगर आपको लगती है मंदी है तो 8 साल में होगी, होनी तो है ही, तो फिर आपको फिर नहीं रुकने की जरूरत है। तो मतलब नेट नेट ये है कि आपको अगर पोर्टफोलियो के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए लेना तो आप कभी भी लीजिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत। एक ख्याल है कि इंडियन इक्विटी, मैं तो 40 साल से हूँ, 100 का सेंसेक्स से 60,000 का सेंसेक्स देखा हूँ, मैं रोज आता हूँ बाजार में। ओके, तो मेरे को मंदी तो कुछ समझ में नहीं आती है, ठीक है, क्वेश्चन हो रहा है जो बातचीत करने के लिए होता है, लेकिन द बेस्ट टाइम टू बाई इज वेन यू हैव द मनी एंड बेस्ट टाइम टू सेल इज वेन यू नीड द मनी। आप इस समय खरीदारी कर रहे हैं सर? मेरे पैसा आएगा तो मेरा करता हूँ, मेरे पास तो पूरा पैसा तो आ रहा है सर, खूब आ रहा है। नहीं, कहाँ से आएगा मेरे पास पैसे, सैलरी तो पूरा टैक्स में चला जाता है और जो डिविडेंड है वो साल में 2 बार देते हैं मोतीलाल जी, तो जब आएगा डिविडेंड तो खरीदेंगे शेयर। हम लोगों को पैसा आ रहा होगा, म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा होगा। नहीं, अच्छा उधर आता है पैसा, वहाँ तो पैसा आते ही सब उठ जाता है, पूरा सब हम खरीद डालते हैं। क्या खरीद रहे हैं दिवाली शॉपिंग कर रहे होंगे आप लोग, क्या क्या किस टाइप की शेयर या सेक्टर क्या क्या खरीद रहे हैं आप? क्या खरीद रहे हैं अब देखिए, एक तो क्या है फिनेंशियल्स में, अभी क्या है क्रेडिट साइकिल बहुत दिन के बाद टर्न हुआ है, आपका क्रेडिट ग्रोथ 15-16% हो गया है, क्रेडिट कॉस्ट नीचे आ रहा है, बाउंस रेट नीचे आते आ रहा है, सो एक जो पोस्ट कोविड जो रिकवरी हो रही है उसमें फिनेंशियल्स की हालत तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से लास्ट 15-17 साल में भी मुझे नहीं लगता कि फिनेंशियल सेक्टर का इतना अच्छा टाइम रहा हो, मेरे लगता है इट इज़ अ लेंडर्स मार्केट। तो और ये साइकिल जो है 6 महीने 8 महीने की नहीं होती है, ये चलेगा, मतलब रुकेगा थोड़ा बहुत, बट ये 3-4 साल का है। जब तक वापस आप गंदा लैंडिंग नहीं करोगे, अभी तो कॉशियस लैंडिंग चालू है, एक ऐसा समय आएगा जब गलत लैंडिंग होगा, गलत आदमी को गलत अमाउंट दिया जाएगा, गलत रेट में दिया जाएगा, वो अभी नहीं हुआ अभी, फिर उसके बाद वो खराब होता है, तो अभी नहीं हुआ अभी, तो अभी बुक बनने दो, अभी नया बुक बनने दो। तो मेरे ख्याल से ये लंबा साइकिल है प्राइवेट सेक्टर में, जिनसे भी मैं बैंक एंड फाइनेंशियल में बहुत बुलिश हैं और बैलेंस शीट बहुत क्लीन है, ट्विन जितनी बैलेंस शीट होती है सब क्लीन है, हमारी भी क्लीन है, कंपनी की क्लीन है, सरकार की भी, सरकार की थोड़ी गड़बड़ है अभी तो ये रीजन है या और कोई खास वजह? मेनली सी लेंडर मरता कहाँ पर है जब खराब लैंडिंग करके, तो प्री कोविड ही साफ सफाई हो गया था और जितना कुछ बाकी था सब कोविड में साफ हो गया, तो डबल स्ट्रेस टेस्ट हो गया। तो अब उसके बाद कोविड से अभी 6 महीना पहले निकले आप, अब 6 महीने में कितना लैंडिंग है, कोई बुक वही नहीं है अभी, तो अब नया बुक बनाओगे उसमें आपका खराब होगा ना, नया बुक में पक्का खराब होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, मार्जिनल बारोअर जो है उनको आप खराब लैंडिंग करेंगे, बट दैट विल हैपन आफ्टर 2-3 ईयर्स, तो ये साइकिल चलेगा अभी, तब देखी जाएगी। हाँ, अभी तो साइक्लिकल है ना, बढ़िया चलेगा। सर आप भी बैंकिंग में शॉपिंग कर रहे हैं, अच्छा आईटी नहीं खरीदा, इतना सस्ता हो गया है, बड़ा लोग बताते हैं। नॉर्मली जो लोग शॉपिंग करते हैं वो सेल के टाइम पे करते हैं, सेल जब भी लगता है तब करते हैं। शेयर बाजार एक ही समय ऐसा है जब भी सेल लगता है ना तभी किसी को शॉपिंग नहीं करनी है, तो शॉपिंग करने का समय आया था तब लोगों ने शॉपिंग नहीं की। अभी जैसे फिनेंशियल जैसे हमने बात की है, आई थिंक जून में वही ICICI बैंक, वही स्टेट बैंक, वही एक्सिस बैंक अभी जो भाव है उससे 30-35% नीचे मिल रहे थे। तो आई थिंक इक्विटी मार्केट में आप ट्रेंड को पकड़ के अगर आप करोगे तो हरदम आप गलत टाइम पे गलत इन्वेस्टमेंट करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक्स अच्छे नहीं है, बैंक्स अभी भी अच्छे हैं, लेकिन एक कंसेंसस ट्रेड बनते जा रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी बैंक्स विल बी मार्केट परफॉर्मर और जस्ट स्लाइटली ओवर मार्केट परफॉर्मर। आई थिंक हमें व्हेन यू क्रिएट अ पोर्टफोलियो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा, बिकॉज साइकिल जैसे मैंने कहा बहुत शॉर्ट हो गई है, पहले जो चीज़ 2-3 साल में होती थी आजकल बाजार में वो 2-3 महीने में ही हो जाती है। कभी पहले डिफेंस का माहौल हुआ, ऑटो का माहौल हुआ, फिर बैंकिंग का माहौल, अभी और कोई माहौल होगा, बट आप पोर्टफोलियो आपका बार बार चर्न नहीं कर सकते हो सक्सेसफुली, आपको कोई एक ट्रेंड मिल जाएगा, एक ट्रेंड में आप गलत हो जाओगे। तो हमारे हिसाब से आईटी स्टिल लुक्स प्रिटी गुड, रिजल्ट अच्छे आए हैं, यहाँ थोड़े जो इंटरनेशनल सेक्टर है, पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, वहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, लेकिन जितना वॉल्यूम में स्लो डाउन होगा उससे ज़्यादा आपको करेंसी में फ़ायदा हो जाएगा। तो आईटी कंटिन्यूज टू बी अ गुड सेक्टर जहाँ पे इंडिया इज़ ग्लोबल लीडर,
और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव है। आई थिंक फार्मा इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग। फार्मा में वही हुआ, एक डेढ़ साल तक कुछ नहीं हुआ है सेक्टर में, डी स्टॉकिंग हुआ काफ़ी, हम बाहर नहीं निकल रहे थे, हम बाहर खाना नहीं खा रहे थे तो बीमार नहीं पड़ रहे थे, हम हाथ चार बार धो रहे थे, तो यू नो, तो आई थिंक द कंजम्पशन ऑफ नॉन कोविड मेडिसिन वेंट डाउन ड्रामेटिकली और डी स्टॉकिंग भी हुआ। आई थिंक अब वो फिर से आ रहा है, अगेन इट्स अ गुड सेक्टर फ्रॉम एन एक्सपोर्ट परस्पेक्टिव बिकॉज करेंसी का आपको टेलविंड है। आई थिंक वो सेक्टर भी थोड़ा सा नॉन कंसेंसस है, वो देखना चाहिए। और इंडिया में ग्रोथ हो रही है तो कैपिटल गुड्स, बट उसमें वैल्यूएशन आर नॉट कंफर्टेबल और डोमेस्टिक आई थिंक कंजम्पशन। हमने सुना है ऐसा कि जब मार्केट एक बार नीचे आता है उसके बाद जब दोबारा से वो बड़ी रैली शुरू होती है तो उसके सिकंदर बदल जाते हैं, लीडर्स दूसरे हो जाते हैं, कोई ऐसा होता है क्या? पक्का होता है, जहाँ गलती को वहाँ पर नहीं जाओगे ना। दूध का जला भी छाछ को फूक के पीता है। तो अभी सब डिजिटल में मरे हुए हैं, सब टेक में लगा है तो सब टेक बेच रहे हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर बेचते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म जो भी होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो अभी सब भाग रहे हैं वहाँ से, अब जा कहाँ रहे हैं नॉन टेक में। सो आप देखिए 2000 में बूम हुआ Y2K का, 2000 में बहुत अत्याचार हुआ Y2K में। उसके बाद जो है जब सब वहाँ से करेक्ट हो गए, वापस चालू हुआ 9/11 के बाद, तो सब फिनेंशियल्स में जाके गए, मॉर्गेज मतलब ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस हुआ। ओके, सो टेक फिनेंस, फिर बोले अब फिनेंस में बहुत लफड़ा हो गया। तो 2000 में क्या, 2020 में क्या किए, डिजिटल कंपनीज में किए, अगेन टेक वापस आया। अब टेक में बूम नहीं होगा, टेक में भी करेक्शन चलेगा, अभी जितने सब जितना एक्सरसाइज सब खत्म होगा, अभी 5-7 साल तक चलेगा वो फिर तो। लेकिन बाजार हैज़ लिक्विडिटी हैज़ टू फाइंड अ न्यू हीरो, न्यू प्लेस टू एमर्ज, दूसरा एक्सप्लोजन होगा। तो मुझे लगता है या तो फिनेंशियल्स में होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है पक्का कि नॉन टेक एक्सप्लोजन होगा, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे फिनेंस हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे फार्मा हो, वर्ल्ड विल फाइंड एंड फिनेंस क्या है, फिनेंस बहुत बड़ा है पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब हर तरीके की चीज़ें उसमें, फिनटेक भी है उसमें, बैंक्स भी हैं, NBFCs भी हैं, हाउसिंग फिनेंस कंपनीज भी हैं, स्पेशलाइज्ड लेंडर्स भी हैं, तो बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा प्रॉफिट आता है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब सेक्टर मिला के, इंश्योरेंस और मिला के, ऑलमोस्ट 35% ऑफ द टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आर कमिंग फ्रॉम फिनेंस। तो यदि आप टेक में ही आ रहे हो तो फिनेंस में एक बड़ा मतलब बड़ा तूफान आ सकता है। पता नहीं बाजार कहाँ किस तरफ मोड़ लेगा, लेकिन वो ये तो क्या पानी की धारा है। यदि आप टेक से बाहर निकल रहे हो तो कोई ना कोई बड़ा सेगमेंट आपको खोजना पड़ेगा जहाँ वो इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी जा सके। तो मुझे लगता है इट विल बी नॉन टेक। तो ये नया नॉन टेक वाला हीरो दिख रहा है अभी कि आएगा, सुनील सराब मुझे नया हीरो जो आने वाला है, नया हीरो है ना। फर्स्ट थिंग इज डू यू एग्री विद माय ऑब्जर्वेशन ओनली, बट खाली एक ही चीज में मैं डिफर करूंगा भैया, अभी जो डिजिटल है ना ये हमारे जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है, जो 2000 में नहीं था। 2000 में इट वॉज होप, अब वो हो गया इंटीग्रल पार्ट। जैसे अभी नेटफ्लिक्स का रिजल्ट आया, अगेन सब्सक्राइबर नंबर्स हैव शॉट अप ड्रामेटिकली, क्योंकि हमारे को आदत पड़ गई है, हमारे को अमेजोन से मंगाने की आदत हो गई है, हमारे को डिजिटल में कुछ करने की आदत हो गई, इट इज़ बिकम अ इंटीग्रल पार्ट। और द गुड थिंग इज स्टॉक करेक्शन है ना ब्रूटल रहा है, 10-20% नहीं गिरे, 80% गिरे। तो जो 5-7 साल में जो करेक्शन आना था ना वो एक साल में ही आ गया। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट, कि जो पहले 2-3-4 साल में होता था ना आजकल वो 2-3 महीने में हो जाता है, बिकॉज सब ज्ञानी है, सबके पास न्यूज है इंस्टेंट। मानी आप अभी आपने इंटरव्यू लिया, 15 सेकंड बाद में सबको हमारे फोटो मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे, यू नो इतना इंस्टेंट है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक दैट साइकिल्स आर शॉर्टेंड। तो पहले जो 5-7 साल लगता था, हो सकता है थोड़ा सा कम समय लगे। एट द सेम टाइम मोस्टली है ना, एंड इट अप्लाइज टू अस ऑल्सो, वो नया ट्रेंड होने के बाद में पता चलता है ये ट्रेंड अच्छा था। ट्रेंड कौन सा? एक बड़ा अच्छा ट्रेंड इमर्ज, आपने कंजम्पशन और डोमेस्टिक की बात की है सर, ये जो नेटफ्लिक्स की आप बात कर रहे हैं जिसका भी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन 26 लाख नया बढ़ के आया, और अच्छा 2 दिन पहले इन्होंने डराया भी था कि मैं एक नया प्लान लेके आ रहा हूँ थोड़ा सस्ता वाला है जो US के लोगों को मिल जाए। अपने भारत में आप देखिए तो बहुत सारी फिल्में बन बन के आ रही साउथ से, और वो 400 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ का बिजनेस कर ले रही हैं ओवर द वीकेंड। तो क्या ये जो हमारे आगे OTT नहीं, जो हमारे पिक्चर वाले या डिस्ट्रीब्यूशन वाले या इस तरह के बिजनेसेस में बड़ी ग्रोथ दिख सकती है? देखो इसमें एक थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी पहले बात करेंगे क्योंकि हम लोग पॉजिटिव ही रहना चाहते हैं। जैसे साउथ की पिक्चर है अभी हमने पूरा है ना अब्जॉर्ब कर लिया,
हम भी देख रहे हैं. आई थिंक इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टू गो ग्लोबल. आज कोई पिक्चर यहाँ 200 करोड़ करती है, अगर वो यूएस में हिट हो गई तो $1 बिलियन करेगी वो, यू नो. तो आई थिंक दैट इज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये सब OTT प्लेटफॉर्म से है ना, लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहा. मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत अच्छी लगती है कोई मूवी या कोई सीरीज, पता चलता है स्पेन में बनी है या मेक्सिको में बनी है या नेदरलैंड की. मैंने एक सीरीज देखी, बहुत अच्छी थी. तो आई थिंक दिस होल लैंग्वेज बैरियर इज गॉन. आपको डब किया हुआ और इतना अच्छा डब किया हुआ मिलता है, आपको समझ ही नहीं आता. तो आई थिंक दैट इज एन अपॉर्चुनिटी. थ्रेट है आपको नए नए वे में आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा. पहले थिएटर में जाके आप कंज्यूम करते थे, अभी वो महीने दो महीने में OTT में आ जाती है. तो पहले आप 5 मूवी देखते थे बाहर थिएटर में जाके, हो सकता है अभी आप 1 या 2 ही देखो. आपको थोड़ी लैविश बनानी पड़ेगी पिक्चर ताकि लोग थिएटर में जाके देखें. आपको बड़ी स्क्रीन पे पिक्चर देखने के लिए आपको लैविश बनानी पड़ेगी ताकि उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट हो. तो थोड़ा सा एक थ्रेट भी हो सकता है, बट कंटेंट मेकर को अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. बिकॉज अल्टीमेटली आप भले OTT पे हो या थिएटर में हो या TV में हो, अल्टीमेटली कंटेंट तो चाहिए आपको, राइट? तो कंटेंट विल बिकम किंग. ऐसा तो एक कंटेंट और लोग जानना चाहते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं ना, वो उनको हमेशा मन रहता है कि वो अमीर बने, पैसे कमाए, पैसे से पैसा कमाना. अपने ट्रेडिशनली ये बड़ा लैकिंग था कि लोगों को लगता था कि पैसे से पैसा कमाना मतलब सूदखोरी करना है क्या. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, पैसे से पैसा कमाना चाहिए, आप बहुत तरीके से अमीर बनने. तो सर नुस्खा क्या अमीर बनने का, कैसे मतलब धैर्यपूर्वक बैठे रहें, खरीद लें और फिर 10 साल बाद जागें, कि क्या नुस्खा क्या है सर? देखिए आप यंग हैं, एक तो पहले भी यंग हो चाहे कोई भी हो, पहले आप कंपाउंडिंग सीखें. ये इधर क्या है आपका, मतलब कहानी सुनाई पड़ेगी, 200 का बढ़ गया, 300 का बढ़ गया, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में वही मार्केट प्लस 3-4% ही आने वाला है. तो आप ये समझ लो यहाँ पर जितने लाखों करोड़ रुपये आ रहे हैं, सबको जो 12-13% जो बाज़ार का स्पीड है उतना ही मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है. 90% पीपल डोंट गेट द इंडेक्स रिटर्न, 90% पीपल, क्योंकि वो गलत टाइम में खरीदते हैं, गलत टाइम में बेचते हैं. तो पहले तो ये कहते हैं आप इंडेक्स रिटर्न के लिए तैयार रहें. तो ऐसे 150 लोग हैं बाज़ार में जो यदि इंडेक्स 15% कर रहा है तो 20-25-30% कमा ले, जैसे ये है, ये कमा सकते हैं, है ना. ऐसे ऐसे 25-50 हैं, समझे ना, जिनका कुछ लोग का नाम नहीं मालूम होगा मुझे, लेकिन ये लोग कर सकते हैं. लेकिन हर आदमी के लिए जो लाखों लोग हैं, अब तो हम लोग 10 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनको सबको 12-13% ही मिलेगा, ये समझना चाहिए. अच्छा, अब 12-13% से आप रिच कैसे बनेंगे आप? तो जैसे आप 15% रखते हैं आप, तो 5 साल में आपका पैसा डबल होगा. 10 साल में कितना गुना होगा? 4 गुना. 15 साल में 8 गुना, और 20 साल में 16 गुना, और 25 साल में 64 गुना. तो ये चीज़ आपको रखना पड़ेगा कि मैं 25 साल के लिए भी 1 लाख रुपया हर महीने डालूं तो मेरा कितना पैसा बनेगा. सर इतना पेशेंस नहीं होता आजकल तो, लेकिन दूसरा कोई तरीका नहीं है सर? थोड़ा 25% हाँ, आप नहीं मैं अभी भैया को हो गए 40 साल, मुझे हो गए 30 साल. अगर सेम अगर फॉर्मूला अगर भैया ने जो बोला 5 साल में डबल में, तो 40 साल में 250 गुना होता है पैसा. तो 250 गुना में भी अगर आदमी को संतोष नहीं है तो कैसे संतोष होगा? पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है. और उसमें कभी 1 साल अच्छा चला गया आपका, जैसे 20 और 21 में गया, तो 250 का 500 हो जाएगा. ये सवाल मैंने जानते क्यों पूछा सर, जब हम लोग कभी छुट्टी में लखनऊ गया, मैं दिल्ली गया, तो लोगों के दिमाग में ये आ गया कि मार्केट में अब पैसा बनाते हैं लोग, अच्छा कमाते हैं, वेल्थ क्रिएट होती है. लेकिन अभी भी उनके दिमाग में कुछ ऐसा बताओ 2-3 महीने में डबल. मैंने कहा भाई ऐसा कोई तरकीब मैंने अभी तक सीखी नहीं, मैं हर बार जाऊंगा तो ये सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं. कि भाग्य है अपना, और इन्वेस्टर को भी थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए. इक्विटी में डालते हैं ना तो उनको 2 महीने में डबल चाहिए, और सेविंग अकाउंट में पूरे साल में उनको 2.5-3% मिलता है. बट लाखों करोड़ों रुपए है ना, वो जो कासा है, लाखों करोड़ों रुपए वो कासा में पड़े हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, वो उसकी चिंता ही नहीं है लोगों को. बट इक्विटी में डालते ही है ना, 3 महीने में डबल चाहिए पैसा. तो उसमें क्या होगा ना, आपका एकाध बार कभी हो सकता है कोई आपका जैकपॉट लग गया, बट जैसे भैया ने कहा अल्टीमेटली इंडेक्स से 3-4% भी अगर आपने कंसिस्टेंटली ज़्यादा कमा लिया तो यू आर सुपरस्टार, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड. अच्छा एक सवाल और मन में मेरे है, पैसा सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, अपॉर्चुनिस्ट या कंसिस्टेंट वाला, जो बाजार में मौके बनाए अपने लिए
अपॉर्चुनिटी बार बार तलाशे और करते वो ज्यादा पैसा बना सकता है, या जो एक बार कंसिस्टेंटली लगा हुआ है वो SIP करता जाए, हर महीने डालता जाए, वो ज्यादा पैसा बना सकता है? देखिए, जितने लोग हैं उतने तरीके हैं पैसे कमाने के। भाई देखिए, जैसे हम लोग तो प्रोफेशनल हैं, तो 24 घंटा बाजार में जीना, बाजार में मरना है, तो हम लोग का तो हम लोग को थोड़ा तो कमाई ज़्यादा होगा ना, इतना मेहनत कर रहे हैं तो, है ना, रोज का 5 कंपनी से मिलते हैं, ये करते हैं। लेकिन जो आदमी कोई जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, जिसका 5-10 लाख रुपये महीने का तनख्वाह है, वो तो बेचारा वहाँ बिका हुआ है उसका टाइम, तो वो तो उतना ही टाइम लगा सकता है ना यहाँ पर पोर्टफोलियो में अलोकेट कर सकता है। एक वेल्थ मैनेजर आएगा दे देगा तो एकदम सेफ ये करेगा, उसको तो 12-15% ही मिलेगा। सो आप कितना उसमें मेहनत भी करते हो, हाँ, आपकी अपनी एपिटाइट कितनी है, आप कितना मैनेज आप कितना मेहनत कर रहे हो अपने पैसे को, मेहनत कर सकते हैं। यदि आप 24/7 कर रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, MBA हैं, जाके आप फोन कर रहे हो, पता कर रहे हो, वही सब, तो आप उतना मेहनत करो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ना। तो आपका एक्सपेक्टेशन भी सही होना चाहिए, आप जितना मेहनत करो। यदि मैं यदि एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे 20% कमाऊ करके, तो शायद जायज है, मेरे मालूम है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन शायद मैं सही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, एंड मेरे मालूम है 20% कमाना डिफिकल्ट है, यदि बजाय 12% कर रहा है तो 15-16 हो गया तो बहुत हो गया। ओके, लेकिन जो आदमी बाहर बैठा है, जो कुछ मेहनत नहीं कर रहा, खाली हमको दे रहा पैसा कमाने के लिए, वो तो कैसे होगा, वो तो 12-13% होगा, 14% होगा।